कल तक सरकार थी, आज वो लुझुन सरकार हो चली है। ये संकेत दरअसल आने वाले दौर में मझधार में फंसी सरकार को 2014 से पहले चुनाव की दिशा में ले जा रहे हैं क्या, सरकार के भीतर क्या चल रहा है। हमारे संवाददाता जब अशोक सिंघल ने ये सारे सवाल मनीष तिवारी के सामने रखे तो देखिए उनका क्या जवाब था। डीएमके के समर्थन वापसी के बाद सरकार क्या क्राइसिस में है, कैसे मैनेज करेगी, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी। डीएमके के समर्थन वापसी मतलब सरकार के पास क्राइसिस है, अल्पमत में आ गए क्योंकि विपक्ष एक रहे थे, आप वेंटिलेटर पे है सरकार। देखिए सरकार ना वेंटिलेटर पे है, सरकार ना इंटेंसिव केयर में है, सरकार पूरी तरह से स्थायी है। ये बात सही है कि हमारे एक घटक दल ने अपना समर्थन वापस दिया है, पर उससे सरकार की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और आज सुबह भी ये बात साफ कर दी गई है कि सरकार पूरी तरह से स्थिर और स्थायी है और अपना जो कामकाज है जनहित में वो करती रही। नहीं, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि बाद एक हाथ सहयोगी जो है छोड़ रहे हैं क्योंकि सरकार का व्यवहार ठीक नहीं है, वो सामंजस्य नहीं बैठा कर रखी है, उनसे सलाह नहीं लेती है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये पिछले 9 वर्ष से हमने एक गठबंधन की सरकार चलाई और हमने ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर घटक दल को जो इज्जत और मान उनका बनता है वो दिया जाए और एक का समन्वय बना के, एक का सम्मिश्रण बना के, जिससे जो मुल्क की प्राथमिकताएं हैं और जो अलग अलग राजनीतिक दलों की अपने प्रदेशों के बारे में आशाएं और आकांक्षाएं रहती हैं उनमें एक संतुलन बिठाकर हमने पिछले 9 वर्ष से इस देश में एक अच्छी सरकार देने का की कोशिश की है और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर। समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि वाजपेयी की सरकार ज्यादा बेहतर थी, अगर माइनस गुजरात दंगे कर दिया है मनमोहन सिंह इतना अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए समाजवादी पार्टी के कौन नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करना कोई आवश्यक या उचित नहीं है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने अपने हर सहयोगी दल को, हर घटक दल को पूरा इज्जत और सम्मान दिया है और हमारी ये कोशिश रही है कि जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक संवेदनशील सरकार इस मुल्क को। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सहारे अवा की सरकार टिक गई है जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, कितना स्टेबिलिटी आप मानते हैं क्योंकि अब आप जो ये चाहेंगे वैसे ही आपको करना पड़ेगा। 2004 से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पखवाड़ा निकला हो जब आप लोगों ने ये अटकलें ना लगाई हो कि यूपीए की सरकार अस्थिर है और उन सारी अटकलों को शिथिल करते हुए, उनको नस्तनाबूद करते हुए यूपीए ने एक अच्छी और स्थायी सरकार इस मुल्क को दी है। देखिए आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं, जब मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि सरकार स्थायी है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी तो मध्यवर्ती चुनाव की जो मंशा है या जो प्रश्न है वो आपके मन में कैसे उठता है मुझे समझ। धन्यवाद बात करिए, ये तो मनीष तिवारी जी का साफ तौर कहना है सरकार स्टेबल है और सरकार पूरा कार्यकाल करेगी। कैमरामैन कृपा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।